स्टूडेंट्स देखिए, आज हम आपको बताएंगे हरियाणा विधानसभा के बारे में। तो आज का जो अपना विषय है वो है हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा देखिए, वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा है, पूछ सकता है ये कौन सी विधानसभा है। तो स्टूडेंट्स ये 14वीं विधानसभा, हरियाणा विधानसभा 14वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है। और इसके जो चुनाव हुए थे हरियाणा विधानसभा के, ये 21 अक्टूबर 2019 को, और मतगणना हुई थी 24 अक्टूबर 2019 को हुई मतगणना हरियाणा विधानसभा वर्तमान में 14वीं विधानसभा स्टूडेंट्स चल रही है। कुल सीटें हरियाणा में, कुल सीटें विधानसभा की, कुल सीटें किसकी, विधानसभा विधानसभा की कुल सीटें किसकी, विधानसभा की, तो ये स्टूडेंट्स 90 है। और इसमें आरक्षित पूछ रहे, आरक्षित सीटें 17, आरक्षित सीटें 17, और ये 14वीं विधानसभा वर्तमान में गठित हुई है। अब देखिए, थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ देखते हैं कि पहली हरियाणा विधानसभा के चुनाव कब हुए, अध्यक्ष कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस तरह से देखिए, हरियाणा में पहले चुनाव 1967 में, पहले चुनाव हरियाणा में कब हुए, 1967 में। और इस तरह से तब से होते होते ये वर्तमान में 14वीं विधानसभा गठित हुई है। पहले चुनाव हुए थे 1967 में। नेक्स्ट है, पहली अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा की, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष, तो हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी स्टूडेंट्स सन्नो देवी। और पहले पुरुष अध्यक्ष पूछ रहे हरियाणा विधानसभा की, हरियाणा विधानसभा की पहले पुरुष अध्यक्ष। तो ये थे भाई राव बीरेंद्र सिंह। देखिए, इनके नाम से एक और है, अध्यक्ष के पद पर सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है। अध्यक्ष के पद पर सबसे कम कार्यकाल ये इन्हीं का है भाई, राव बीरेंद्र सिंह का सबसे कम कार्यकाल है। अब कम है तो अधिक का भी पूछ सकता है, अधिक कार्यकाल अध्यक्ष पद का, अधिक कार्यकाल किसका भाई, अध्यक्ष पद का अधिक कार्यकाल है अध्यक्ष पद का, ये मोहिंदर सिंह चड्ढा। इनका कार्यकाल सर्वाधिक है, तीन बार अध्यक्ष रहे। वर्तमान में यदि पूछ ले, वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष
वर्तमान में विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता। ये स्टूडेंट्स पंचकुला से, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता। तो देखिए इस तरह से हरियाणा विधानसभा की कौन सी चल रही है, चौधरी चल रही है। चुनाव कब हुए थे? अक्टूबर 21 अक्टूबर 2019 को। मतगणना कब हुई? 24 अक्टूबर 2019 को। और वही हरियाणा में पहले चुनाव कब हुए थे? 1967 में। और आरक्षित सीटें वर्तमान में कितनी है? 17 है। विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 90 है। और पहली जो विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी वो सन्नो देवी थी। और यदि ये पूछते हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। और अध्यक्ष के पद पर सबसे कम कार्यकाल था इनका, अधिक कार्यकाल अध्यक्ष पद का स्टीफन मोहिंदर सिंह चड्डा थे। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, ये पंचकुला से विधायक। नेक्स्ट देखिए साफ कर देते हैं। हरियाणा हरियाणा विधानसभा की वास्तुकला, हरियाणा विधानसभा की वास्तुकला। तो स्टूडेंट्स ली कार्बुजियर कौन है भाई? ली कार्बुजियर, ली कार्बुजियर। ये स्टूडेंट्स बता दें आपको फ्रांस के थे, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, पेरिस फ्रांस पेरिस। इसको स्टूडेंट्स फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, फैशन नगरी। और सुरा और सुंदरी उपाधि, सुरा और सुंदरियों का, सुंदरियों का देश। यहाँ की शराब बहुत ही फेमस प्रसिद्ध है। तो यहीं से थे ली कार्बुजियर, जो चंडीगढ़ के भी वास्तुकार माने जाते हैं और हरियाणा विधानसभा के भी वास्तुकार माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता, पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? पूछ ले पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता। तो स्टूडेंट्स ये प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह विपक्ष के नेता, प्रताप सिंह थे। और चौदहवीं में या वर्तमान में, वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जो हैं वर्तमान में विपक्ष के नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह। ये कांग्रेस से संबंधित स्टूडेंट्स। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है इस बार, सबसे अधिक मतों से इन्होंने ही जीत दर्ज की है चौदहवीं विधानसभा में, सबसे सबसे अधिक मतों से, सबसे अधिक मतों से, सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज की है, जीत दर्ज की है। कितने मत लिए, कितने मतों से जीते स्टूडेंट्स? तो ये 58,312 मतों से जीते। और वर्तमान में विपक्ष के नेता। नेक्स्ट देखिए,
पहली महिला विधायिका हरियाणा में, पहली महिला एमएलए एमएलपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायिका, तो महिला विधायिका पहली महिला एमएलए तो स्नेह लता, स्नेह लता पहली थी भैया। वर्तमान में जो विधानसभा चौदह में गठित हुई है इसमें नौ महिलाएं आगे चल के बताएंगे इसमें, लेकिन पहले पूछे तो स्नेह लता पहली महिला विधायिका थी हरियाणा विधानसभा में। नेक्स्ट देखें, अब यदि जीत का अंतर सर्वाधिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो कम अंतर भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स। न्यून अंतर सबसे कम वोटों से जीतने वाले चौदह विधानसभा में सबसे कम वोटों से जीतने वाले विधायक या एमएलए ये है भाई गोपाल कांडा जो सबसे कम वोटों से जीते हैं मात्र 606 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की। सबसे कम का रिकॉर्ड इनके नाम है, अधिक का रिकॉर्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो ये स्टूडेंट्स लोहार में भिवानी जिले में लोहार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और यहां से जेपी दलाल ने जीत दर्ज की है। जेपी दलाल यहां से जीत के आए, सबसे बड़ा क्षेत्र है, जेपी दलाल जीते। सबसे छोटे ये जेपी दलाल बता दें स्टूडेंट्स 81 मंत्री का और इनके पास है 81 मंत्री हैं। और इसी के साथ में मत्स्य पशुपालन डेयरी आदि विभाग भी इनके पास है, आदि विभाग इन्हीं के पास है। जो इनसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री थे, जो विभाग इनके पास थे वो इनको दे दिए गए जेपी दलाल दोहारों से। फिर सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में सबसे है विधानसभा क्षेत्र। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखिए बल्लभगढ़ कहां पे है भाई, फरीदाबाद स्टूडेंट्स परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट ये जिला है। इसमें बता दें सर्वाधिक जनसंख्या है, फरीदाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनघनता भी सर्वाधिक है। दूसरा क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। और ट्रैक्टर उत्पादन करने में प्रथम है, ट्रैक्टर
उत्पादन, एक्ट्रोन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में हरियाणा में होता है, और हरियाणा में कहां पे होता है, फरीदाबाद में होता है, और फरीदाबाद में ही बल्लभगढ़ से जो है बल्लभगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ से जिन्होंने जीत दर्ज की है वो है भाई आपके मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा ने बता दें यहीं से दर्ज किए स्टूडेंट जी, और ये सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा जो है वो वाणी है, वहां से जिनकी दलाल ने जीत दर्ज की। अब देखिए भाई प्रश्न आता है कि परिणाम क्या रहे, तो परिणाम के स्टूडेंट्स वो देखिए क्या परिणाम रहे, परिणाम क्या रहे, तो परिणाम का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या परिणाम रहे। देखिए जो कुल सीटें 90 थी तो बीजेपी, बीजेपी ने 40 पर जीत दर्ज की। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 31 पर जीत दर्ज की, और आईएनएलडी, आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई, और उसके बाद में लोजपा, लोजपा हरियाणा लोक हित पार्टी गोपाल पांडा फरोक यहां से एक सीट वो भी निकाल पाए, ये पार्टी भी एक सीट निकाल पाई, और भाई जेजेपी, जेजेपी ने स्टूडेंट्स 10 सीटें निकाली। पार्टी की स्थापना हो सकता है, नवगठित पार्टी है, 9 दिसंबर 2018 जींद में चौधरी दुष्यंत चौटाला ने इस पार्टी की स्थापना की थी। पूरी पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके अतिरिक्त आदर है, अन्य आदर जो है स्टूडेंट्स वो 7 है, और इस तरह से कुल 90 सीटों के परिणाम है। सरकार बनाने की बात करें तो बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस आधार इन्होंने सरकार बनाई है, निर्दलीय और जेजेपी इन्हीं के साथ रहे हैं, और ये कुल मिला के लगभग 57-58 विधायकों के साथ इन्होंने सरकार बनाई है। सीएम, सीएम मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर श्री मनोहर लाल खट्टर स्टूडेंट्स दोबारा से सीएम के पद पर आए हैं। ये एक बार अपने 5 साल पूरा सरकार चला चुके, सेकंड टाइम है इस बार, इस बार डिप्टी सीएम भी बने, डिप्टी सीएम ये बने दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला सबसे कम 31 वर्ष के विधायक है, सबसे कम उम्र के या सबसे युवा व्यक्ति भी यही है, सबसे युवा, सबसे युवा एमएलए या एमएलए और डिप्टी सीएम यही है भाई, तो सैन से छोटा रघुवीर कादियान जो है वो सबसे अधिक उम्र के हैं, 75 वर्ष, और किन की उम्र है 31 वर्ष, तो इन्हीं के नाम है। ये रिकॉर्ड भी प्रश्न पूछ सकता है कि 14वें विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के विधायक कौन रहे, तो वो सैन से छोटा। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र, सर्वाधिक मतदाता, सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र, तो सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र स्टूडेंट्स कौन सा है, ये रहा भी आपका बादशाहपुर गुड़गांव, बादशाहपुर गुड़गांव, अब इसको गुरुग्राम बोलते हैं, गुड़गांव सर्वाधिक रहा, सबसे अधिक मतदाता है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वाइट,
यहां से भी गायब कौन है, तो राकेश दौलताबाद निर्दलीय थे भाई, राकेश दौलताबाद, राकेश दौलता ये यहां से विधायक है, इन्होंने निर्दलीय थे स्टूडेंट्स, बता दें आपको निर्दलीय साफ जीत के आए थे, तो निर्दलीय थे राकेश दौलताबाद। नेक्स्ट देखें सबसे अधिक विधायक देने वाला गांव कौन सा रहा, तो सबसे अधिक एमएलए, सबसे अधिक एमएलए ये स्टूडेंट्स गांव रहा चौटाला, सिरसा जिले का गांव है, अंतिम छोर है हरियाणा का, यहां से चौटाला गांव सबसे अधिक एमएलए चौटाला गांव से रहे, चौटाला गांव से रहे, यहां से स्टूडेंट्स पांच एमएलए, एक गांव से जो है ये पांच एमएलए है, बेरी हल्के से उन्होंने जीत दर्ज की है, बेरी हल्का छछर ये यहां से उन्होंने जीत दर्ज की है, प्रोफेट स्पीकर इन्होंने शपथ दिलाने का कार्य किया है, और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल उन्होंने देखी, हरियाणा की राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा की राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल स्टूडेंट्स सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा की राज्यपाल है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई, प्रोफेंस स्पीकर को और उन्होंने सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई। नेक्स्ट है भाई सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायक बलराज कुंडू रहे निर्दलीय महेंद्र सिंह, सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायक बलराज कुंडू, काफी सोशल और सामाजिक सेवा करने वाले व्यक्ति, सर्वाधिक संपत्ति वाले बलराज कुंडू रहे 141 करोड़ संपत्ति के साथ में सबसे अधिक इन्हीं का नाम रहा। न्यूनतम संपत्ति तो देखिए बालवीर बाल्मीकि ये स्टूडेंट्स इसराना विधानसभा क्षेत्र इसराना पानीपत मात्र 41 लाख, तो ये भी आपको डेटा ध्यान में रखना है। दूसरा स्टूडेंट्स यदि हमें मंत्रिमंडल की बात करें तो ये पूछ सकता है कि कौन सा मंत्रिमंडल मंत्री पद किसे मिला है, तो यहां पर भी एक प्रश्न बन सकता है कि देखिए ऐसी मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, वित्त मंत्रालय पता है आपको, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने समय में अपने पास रख रखा है, डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला है उनके पास कौन कौन से विभाग रहे, तो थोड़ी सी नजर इस पे भी देखते हैं। पहला देखिए रही देखिए तो संख्या, यदि कुल संख्या की बात करें कुल संख्या तो स्टूडेंट्स कुल संख्या रही है मंत्रियों की 10, इसमें से 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री, ये ध्यान रखना है 6 कैबिनेट के हैं और 4 जो है वो राज्य मंत्री। देखिए पहला है अनिल विज, काफी चर्चा में ही व्यक्ति अनिल विज, अंबाला कैंट से
विधायक कहां से? अनिल वेज विधायक है भाई अंबाला कैंट से वे विधायक है। और इनको यदि पद की बात करें इनको कौन सा पद दिया गया है तो स्टूडेंट्स ये गृह मंत्री है, गृह मंत्री साथ में गृह मंत्री के साथ में देखिए नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, चिकित्सा, चिकित्सा आयुष तकनीकी शिक्षा, आयुष और तकनीकी शिक्षा आदि विभाग भी इनके पास है, विभाग भी इन्हीं के पास है, आदि विभाग भी इन्हीं के पास है। तो अनिल विज हो गए अंबाला कैंट से हैं और सीआईटी को लेकर के स्टूडेंट्स आजकल ये चर्चा में ये जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय के थ्रू रहे और सीएम मनोहर लाल खट्टर चाह रहे हैं कि वो उनके पास रहे, ये चर्चा का विषय है। नेक्स्ट देखें कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर दूसरे कैबिनेट के मंत्री देखिए कंवरपाल गुर्जर, ये स्टूडेंट्स वर्तमान में इनके पास में शिक्षा वन पर्यटन आदि विभाग में शिक्षा है, शिक्षा वन पर्यटन आदि विभाग इनके पास है। ये स्टूडेंट्स कंवरपाल गुर्जर। नेक्स्ट देखिए ये जगाधरी से विधायक है, जगाधरी यमुनानगर से विधायक थी, विधायक और इससे पहले अध्यक्ष का पद बेटी जी के पास था जिस पर अब ज्ञान चंद गुप्ता जी इनसे पहले यही थे उस पद पर। तीसरे जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो है रणजीत सिंह चोटा, रणजीत सिंह चोटाला, ये स्टूडेंट्स विधायक जो हैं, विधायक कहां से हैं? विधायक रानिया से, रानिया, रानिया से विधायक है सिरसा जिले में, जो रानिया है वहां से ये विधायक है। नेक्स्ट है जेपी दलाल, बता चुके हैं पहले जेपी दलाल, जेपी दलाल स्टूडेंट्स ये कैसे मंत्री हैं, कैसी मंत्री और विधायक हैं लोहारू से, विधायक कहां से हैं लोहारू, ये लोहारू से जो है विधायक है। नेक्स्ट है बनवारी लाल बावल से विधायक है स्टूडेंट्स, बावल रेवाड़ी में आता है, बावल से विधायक है और इनके पास वो है सहकारिता और पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामले, सहकारिता और पिछड़ा वर्ग से संबंधित इनके पास में मामले हैं, सहकारिता और पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड मामले। नेक्स्ट है मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा तो देखिए ये बल्लभगढ़ से विधायक है, परिवहन विभाग के पास है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में विधायक है और विभाग में है इनके पास परिवहन, परिवहन मंत्री है स्टूडेंट्स। ये थे आपके तीन कैबिनेट सदर के मंत्री। नेक्स्ट है कमलेश ढांडा,
कमलेश ध्यान रखें। ये स्टूडेंट्स कलायक चिंद आए या एमएलए कलायक कलायक से हैं और इनके पास में महिला आयोग से संबंधित मामले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास कमलेश नाना के पास। नेक्स्ट है ओपी यादव ओम प्रकाश यादव ओपी यादव ये नारनौल से विधायक है। एमएलए कहां से हैं? नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है। स्टूडेंट्स एकमात्र ऐसी जगह है महेंद्रगढ़ की जो महेंद्रगढ़ से अलग इसका सचिवालय है नारनौल में। एकमात्र ऐसा जिला महेंद्रगढ़ है जिसका सचिवालय प्रॉपर महेंद्रगढ़ में नहीं होकर के नारनौल में है। तो वहीं से ये ओपी यादव विधायक हैं एमएलए। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता इनके पास नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारिता सेना से संबंधित भी सैनिक अर्धसैनिक अर्धसैनिक कल्याण मामले भी इन्हीं के पास। तो इस तरह से नौ मंत्री हो गए जिसमें छह कैबिनेट के और वही आपके दो राज्य मंत्री। देखिए नेक्स्ट है अनुपधारक अनुपधारक ये उपलाना सिंह और इनके पास में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है इन्हीं के पास अनुधान। और दसवें जो मंत्री हैं स्टूडेंट्स वो मैं आपके संदीप से बताया हो कि इनके कैप्टन रह चुके हैं खिलाड़ी संदीप से। संदीप सिंह ये स्टूडेंट्स पेहुआ से विधायक पेहुआ विधानसभा क्षेत्र पूछ सकता है किसी भी मंत्री का। पीछे जो एग्जाम हुए उनमें कई बार पूछा गया है कि फला फला मंत्री का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपको 10 ध्यान में रखने हैं। संदीप सिंह एमएलए पेहुआ से ही और इनके पास जो है खेल एवं युवा मामलों से संबंधित विभाग है। खेल एवं खिलाड़ी स्वयं हॉकी के खेल एवं युवा मामलों से संबंधित मंत्री ठीक है। खिलाड़ी स्टूडेंट्स हमारा राष्ट्रीय खेल विभाग का हॉकी है। और हरियाणा का पूछ ले तो स्टूडेंट्स पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए अब बात आ गई कि भाई सीएम और डिप्टी सीएम के पास कौन कौन से विभाग है। तो ये और देख लीजिए देखिए भी सीएम और डिप्टी सीएम यानी कि हुसैन चौटाला क्या है डिप्टी सीएम है।
और सीएम मनोहर लाल खट्टर और हुसैन चौटाला से भी हुसैन चौटाला माननीय है भाई, दोनों ही हरियाणा का एक मुख्यमंत्री है तो एक उप मुख्यमंत्री है। यदि विभागों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक विभाग दुष्यंत चौटाला के पास, सर्वाधिक विभाग ये स्टूडेंट्स कितने हैं, 11 विभाग इनके पास। कौन कौन से तो देखिए, राजस्व एवं आपदा आबकारी और कर विकास एवं पंचायत उद्योग सार्वजनिक निर्माण खाद्य नागरिक आपूर्ति नागरिक आपूर्ति पुनर्वास नागर विमान विमानन आदि मामले के पास। नेक्स्ट देखें, यदि सीएम के पास पूछे वित्त मंत्रालय शहरी निकाय प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आदि मामले इन्हीं के पास, तो सर्वाधिक जो है वो सीएम डिप्टी सीएम के पास। ये था स्टूडेंट्स, यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपना जो चैनल है SAGAR क्लासेस RTE, ये चैनल है भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक में से स्टूडेंट्स ये माना जाता है कि एक या दो प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में HSSC जरूर पूछेगा, और इस तरह से हम धीरे धीरे हरियाणा जी के धीरे धीरे काम पर इस तरह से पूरी करेंगे। धन्यवाद।